यार बचपन में ना ये खुली टॉफीज मिलती थी, आई थिंक 1 रुपए की 4, एंड इट टेस्ट्स डिलीशियस भाई। बचपन में ना ये पार्टी पैक होता था, और अब देखो ये 2 दिन में खत्म हो जाता है हमारे घर में। ये चीजें ना मैंने खाई है स्कूल के बाहर, बूमर और बिग बबो वाला गाल रही है। जो वाइल ग्रोइंग अप आई हैव हैड एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, तो वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज किसमी इलायची फ्लेवर टॉफी। यार बचपन में ना ये खुली टॉफीज मिलती थी, आई थिंक 1 रुपए की 4, मतलब व्हेन आई वाज द स्मॉलेस्ट आई रिमेम्बर ये सबसे सस्ती वाली टॉफीज होती थी, एंड अब लिटरली खुली कहीं नहीं मिली तो मुझे पूरा पैकेट मंगवाना पड़ा। लेकिन फिर भी पैकेट के साथ भी मुझे ना एक्चुअली बार किसमी बार ज्यादा पसंद थी। आपको किसमी बार ज्यादा पसंद थी या टॉफीज पसंद थी प्लीज कॉमेंट में जरूर बताना। ओ माय गॉड दिस बार इज फॉर 2 रुपीज। यार ये अभी भी 2 रुपए की आती है, ओ माय गॉड। सो ये पैकेट एक्चुअली 50 रुपीज का है, इसके अंदर 100 टॉफीज हैं। या अब मुझे नहीं पता मैं 100 टॉफी का क्या करूंगी, बट एटलीस्ट मेरे को ये पता है कि इसका बार का और टॉफीज का टेस्ट सेम होता है, तो आप कुछ भी खाओ। सो आई एम गोइंग टू हैव माई फेवरेट बार, क्रिस्पी बार। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, पी रही हूँ पानी। ओ यार ये टूट गई थोड़ी। ओके इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, दिस इज हाउ इट यूज टू बी, एंड ऐसे ये पीछे इसका ये इंप्रेशन, ऐसे पैकेट का ये बचपन से मैं देखती हुई आ रही हूँ, एंड इट्स स्टिल द सेम। ओ माय गॉड दैट इलायची खुशबू, सो गुड भाई। ओ माय गॉड इट्स एग्जैक्टली द सेम, ओ माय गॉड। ऑल्सो मैंने देखा इसमें ना बहुत सारे फ्लेवर्स भी आए हैं, मेरे को वो फ्लेवर्स कहीं पे मिले नहीं, कहाँ से ऑर्डर कर सकती हूँ प्लीज बता दो यार। द नेक्स्ट स्नैक इज दीज मिल्क बिकीज। यू नो व्हाट, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि ऐसा एक सेम साइज का पैकेट पार्ले जी का भी आता था, एंड बचपन में ये और वो दोनों 2 रुपीज के होते थे। तो या महंगाई, बट आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। एक ये और एक होते थे मेरे वो यही ऐसे ही मिल्क बिकीज, लेकिन वो क्या होते थे, वो क्रीम वाले बिस्किट्स होते थे, दे वर ऑल्सो वेरी गुड। बट यार दिस ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम पार्ले जी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स। यार ये टूटा हुआ ऐसे चूरा चूरा सा निकला है यार। ओके सो ऑल द चिल्ड्रन जिन्होंने अभी तक ये नहीं खाया है, दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड, एंड दिस इज 100% आटा। इसमें लिखा हुआ है कि ये पूरा 100% वीट है, विच इज अ ग्रेट थिंग, एंड दिस टेस्ट डिलीशियस, अमेजिंग दिस इज। और इसके साथ ही ना एक बहुत ही फेवरेट वाले बिस्किट्स थे मेरे, वो थे जिम जैम्स, एंड यही इतना ही साइज का पैकेट एक्चुअली हमें बचपन में मिलता था, एंड ये इसके अंदर 2 बिस्किट्स होते हैं। भाई कितने बेकरी वालों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, अब मुझे नहीं पता वो बेकरी वाले पुराने हैं या ये पुराने हैं, लेकिन ये जो बीच में जैम वाला कल्चर आया था ना भाई, अलग लेवल का स्वैग था ये। मतलब ये इस लेवल का जो अटेंशन मैंने इसको दिया है ना लाइफ में, मैं बता नहीं सकती, मैंने किसी बिस्किट को नहीं दिया एक टाइम पे, एंड फिर बीच में से ऐसे ये निकाल के खाना अलग से, दैट वाज द मेन डील। आओ दिस इज जस्ट सो गुड, सो गुड। व्हाई डोंट वी ऑर्डर ऑल ऑफ दीस थिंग्स एनीमोर, मतलब आई नो बहुत सारा रेंज बढ़ गई है चीजों की, बट ओल्ड इज गोल्ड यार इस मामले में, ओल्ड इज गोल्ड। द नेक्स्ट वन इज दीज हली गुली कॉर्न पफ्स। भाई बचपन में ना ये पार्टी पैक होता था, ऐसा लगता था कि ये पूरे मोहल्ले के बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हो, और आप देखो ये 2 दिन में खत्म हो जाता है हमारे घर में। बट सच बताऊं बचपन में बिल्कुल शेयर करने का मन नहीं करता था चीजें, तो हम लेते थे इसका 5 रुपए वाला पैकेट जो की मोर देन इनफ होता था। बट ऑनेस्टली दिस इज प्यार एंड आई लव दिस, आई रियली लव दिस। ये आई एम श्योर सबने खाया, मैं मान ही नहीं सकती कि किसी ने ये ना खाया, मुझे मानना ही नहीं है। मैं तुम्हें मॉडर्नाइजेशन का प्रूफ दूं, ये देखो यहाँ लिखा है स्कैन एंड गेट अप टू 20 रुपीज कैश बैक, मतलब पेटीएम, हेलो हेलो मॉडर्नाइजेशन। हली गुली से 1% ज्यादा मुझे एक चीज और पसंद है, वो है फन फ्लिप्स। यू नो एक्चुअली तो ये दोनों कंपेटिटर्स होते थे, बट मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों फन फ्लिप्स ज्यादा पसंद था, क्योंकि मुझे इसके फ्लेवर ज्यादा पसंद है। इसका एक ब्लू फ्लेवर आता था खट्टा मीठा वाला, यम। आई डोंट नो व्हाई आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ पुदीना थिंग्स, सो मेरे को इसका ग्रीन वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बट दिस ऑरेंज ऑलवेज यूज्ड टू बी माय फेवरेट। एंड सबसे पहले हम लेते थे इनके 1 रुपए वाले पैकेट्स। ओके ये 20 रुपए वाला तो अभी लेटली आना शुरू हुआ है, इसका मैक्स पैकेट आता था आई थिंक 5 रुपीज का, विच वॉज लाइक दिस बिग, बट एनीवे वी जस्ट हैव दिस नाउ। भाई ये चट 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 ओके एक डिफरेंस मुझे देखने से ही पता लग रहा है, जो कि ये है कि ये हमेशा से थोड़ा सा ज्यादा एयरी और ज्यादा क्रिस्पी होते थे।
ज़्यादा मसाला, ज़्यादा एरी, ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा डेंस। बट दोनों अपनी अपनी जगह यार, मतलब मैं बुराई नहीं कर सकती इसकी भी, बट दिस इज लव। पता है एक बात बताऊँ, मेरी ना एक्चुअली इससे ना एक बहुत ही सॉलिड वाली मेमोरी जुड़ी हुई है, विच इज़ कि मैं जब भी नानी के घर जाती थी बचपन में, नानी यूज टू, मतलब समर वेकेशन में मैं नानी के घर होती थी 15-20 दिन 25 दिन, कितना भी, मतलब जितना मेरी नानी का मुल्क मेरे को रोकने का मन करेगा उतना लंबा। एंड इट वॉज हर हैबिट कि वो सुबह उठ के ना एक ये 5 रुपीज़ वाला पैकेट और एक हाथ में 5 रुपीज़ वाली चॉकलेट दे के ही मेरे को उठाती थी। मतलब मैंने, मेरी जो एक सबसे सॉलिड विविड मेमोरी है ना अबाउट फनफ्लिप्स, वो यही है कि भाई आप 25 दिन अगर उनके घर रुके हो ना, 25 दिन आपको सुबह ये एक फनफ्लिप्स का पैकेट और एक 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क 5 स्टार मिलेगी ही मिलेगी, और आप तब उठोगे बेड से। सही है यार, क्या क्या दिन थे यार, मेरे को लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे हैं, सारी बातें याद आ रही है यार, कम ऑन। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग यार, सॉलिड नॉस्टैल्जिया होने वाला, आई एम श्योर आपकी भी बहुत सारी मेमोरीज होंगी। नेक्स्ट आर दीज ऑरेंज कैंडीज, जेलीज एंड इमली लड्डू। ओ माई गॉड, ये चीजें ना मैंने खाई है स्कूल के बाहर भैया से खरीद के, जो कि खुले में उनके पास वो डब्बे जार्स होते थे और उसमें से 1 रुपए की 4 या यू नो 1 रुपए की 2 वाली खरीद के खाई है मेरे ये। सी दिस यूज टू बी माई फेवरेट, मुझे नहीं पता आजकल जो वो दूसरी वाली जो वेट वाली जेलीज आती है वो मुझे उस लेवल का प्यार है ही नहीं उनसे जिस लेवल का मुझे इनसे है यार। ये ओजी जेलीज होती थी मेरे को, मेरी लाइक मोस्ट फेवरेट, मेरे को मजा ही नहीं आता कोई और जेलीज खाने में। एंड दिस संतरे वाली गोली, ओ माई गॉड, ये किसको नहीं पसंद। एंड इसके साथ एक और आती थी वो फिश वाली गोली, जो थोड़ा कैसी हाजमोला टाइप्स होती थी, पर वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, आई यूज टू हैव देम बट थोड़ा कम, बट ये वाओ, दिस यूज टू बी अमेजिंग। एंड दिस इमली लड्डू जो लिटरली मैंने 1 रुपए के 4 खाए हैं, ये 20 रुपए के 5 आए हैं, ये सारे पैकेट 20 रुपीज ईच आए हैं, कम ऑन, चीजें इतनी महंगी क्यों हो गई है यार। बट एनी वे वील जस्ट ओपन दैम यार, इमली लड्डू किसको नहीं पसंद यार, एंड इसके अंदर फिर वो इसके इमली के बीज और वो सब भी होते थे, सो दिस इज एक्चुअल इमली ओनली ना, बट ओ यार ये तो बड़ा हार्ड है। बोला था ना इमली बाट बाटी बीच पहले घूम रहा है, कुछ नहीं बोलने के लिए, बहुत खत्म हो गया। वाई सो गुड, सो दीज आर ऑल डिफरेंट फ्लेवर्स, ये ऑरेंज फ्लेवर एंड दिस जिगली थिंग, लव दिस। मैं भूल गई थी इतना स्ट्रॉन्ग ऑरेंज वाला टेस्ट होता है इसमें, दिस इज नींबू यार, क्या यार, माई हार्ट इज सो हैप्पी। एनी वे आई थिंक आई हैव माई संतरे वाली गोली ना। भाई एक बात और बताऊं, ये ना बहुत छोटी है, हमने जो खाई है ना वो इतनी बड़ी होती थी लिटरली। मेरे को एक्चुअली खाते हुए रियलाइज हो रहा है फ्लेवर सेम है, बट दिस इज वेरी स्वीट, वो होती थी खट्टी, नॉट एज गुड, बट ठीक है चलेगा। नेक्स्ट इज दिस फ्रूटेला, यू नो व्हाट, ये मैंने कहां से इसको डिस्कवर किया था, ये मैंने देखी थी हम आपके एक ऑन, जिसमें वो गाना था चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां, दीज वर द टॉफियां, वो बॉक्स के अंदर भरी हुई थी फ्रूटेला। ये मेरे को तब पता चला था कि फ्रूटेला नाम की कोई टॉफी ऐसे गमीज टाइप्स होती हैं। एंड देन मैंने जो अपने पेरेंट्स को परेशान किया ये ढूंढने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती, बट फिर फाइनली हमें मिली गई थी जैसे तैसे। एंड इसका आता था 5 रुपीज़ का पैकेट, जिसके अंदर 5 छोटी छोटी गमीज होती थी, एंड दिस इज स्टिल वे बिगर देन दैट, एंड ऑब्वियसली इट इज बिकम कॉस्टलियर ऑल्सो, लेकिन बॉन्कर्स, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, आई लव गमीज एक्चुअली। ओ पैकिंग चेंज कर दी, पहले होती थी पिंक कलर की, अब है ये सिल्वर कलर की, ब्रांडिंग के साथ, और इसके अंदर ऐसी 10 गमीज हैं यार, सच प्रिटी कलर। इसको देख के मुझे बिग बबल याद आ गया, बूमर और बिग बबल वाला कलर है ये। ओह माय गॉड, द ओजी स्ट्रॉबेरी कैंडी गमी, व्हाटएवर, स्ट्रॉबेरी की लत जो लगी थी ना मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, वो इसी से लगी थी। एंड नो रिग्रेट्स। एंड द लास्ट वन इज रिग्लीज डबल मिंट। भाई इसका स्वैग जो अलग होता था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये उस टाइम में भी आई थिंक 10 रुपीज का ही आता था, मेरे को नहीं लगता ये ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ है, 5 का आता हुआ है 10 का पता नहीं ब्रो, लेकिन मैंने इतने स्टाइल मारे हैं ना इसको खाते हुए, मैं बता नहीं सकती तुमको। मैं मतलब यार वो एडवर्टाइजमेंट में जैसे दिखाते थे, एंड इसके अंदर ऐसी 5 गम्स होती थी, अभी भी होती है आई मीन, सो या वी यूज्ड टू लाइक टेक दिस एंड यू नो एड में दिखाते थे इस चीज को रोल। I mean, why? Any which way, आप इसको कैसे भी खाओगे? There's no difference, bro.
ब्रो ये बेसिकली इसीलिए चली थी क्योंकि ऑब्वियसली इसका शेप अलग था, इट वॉज नाइसली एंड डिफरेंटली पैक्ड एंड यू नो सुंदर सा कलर एंड एवरीथिंग. सो वी यूज टू लव दिस, वी यूज टू लिटरली फ्लॉन्ट हैविंग दिस इन आवर पॉकेट. बट टेस्ट तो इसका सेंटर फ्रेश जैसा ही होता था, इट्स जस्ट की सेंटर फ्रेश की तरह इसमें कुछ फिल्ड नहीं होता था एंड दिस वॉज अ लिटिल टू मिंटी फॉर अस एट दैट टाइम. बट आई ऑलवेज यूज टू लव दिस दिस एंड पोलो एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑल्सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. हमने बहुत सारे स्नैक्स आज खाए हैं लेकिन आई एम श्योर अभी भी ऐसे इतने सारे स्नैक्स हैं जो मैंने नहीं कवर किए हैं. प्लीज़ आपके उनमें से फेवरेट्स क्या हैं एंड अगर मुझे नेक्स्ट पार्ट बनाना चाहिए प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना वॉट अदर स्नैक्स शुड आई ऑल्सो हैव. और इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना एंड जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में. बाय.